फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन का ये तीसरा पार्ट है। तो हमने पहले पढ़ा था सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव और इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है, और उसके कुछ पार्ट पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा और फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई, पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ए रिलेशन है बी के साथ, इफ यदि ए मॉडुलस ऑफ ए लेस देन इक्वल है बी और ए बी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये बोल रहा है ए और बी के साथ रिलेशन है और ए का मॉडुलस जो है वो लेस देन इक्वल है बी से और ए और बी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर के। तो हमें बताना है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, क्या क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिस्टिविटी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिस्टिविटी तीनों हो तो क्या होगा, इक्वलेंस, ठीक है। तो हमें सिर्फ बताना है कि भाई इन तीनों में से कौन सा है, अगर नहीं है तो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, अब हम ये कौन सा है, ये सिर्फ ट्रांजिस्टिव है, ट्रांजिस्टिव। अब कैसे है देखो मैं बताता हूं आपको। हम मान लेते हैं ए की वैल्यू ले ली मैंने -2, ठीक है, और बी की वैल्यू ले ली मैंने 3। तो हमारा ए बी क्या बन गया, -2 और 3, ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन को, ठीक है। अब देखो -2 का मॉडुलस और लेस देन इक्वल होगा 3 के, सही है, क्यों, क्योंकि देखो -2 है, अगर मॉडुलस हटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 2 जो है वो 3 से छोटा होगा और इक्वल होगा, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया हमें। अब -2 है और इक्वल करें अगर 2 के, ठीक है, तो आ जाएगा इक्वल तो आ जाएगा लेकिन लेस देन नहीं होगा। अब मॉडुलस करेंगे तो 2 का मॉडुलस हटेगा तो माइनस का सिंबल हट जाएगा और 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल नहीं है और ना ही -2 के। तो ये क्या हो गया, यानी इसका खुद के साथ रिलेशन नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि -2 और 2 इक्वल नहीं होते, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसको वापस से, अब हम अगर दूसरे वाले में क्या होता है, ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम 3 रख के देखते हैं, 3 लेस देन इक्वल है -2, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, 3 का मॉडुलस 3 होता है और ये लेस देन इक्वल नहीं है -2 के, ठीक है। तो नहीं है तो क्या होगा, ये सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हमें तीसरा देखना है ट्रांजिस्टिव। तो ट्रांजिस्टिव में क्या होता है, ए बी और सी 3 वैल्यू ले लेते हैं ट्रांजिस्टिव में, ठीक है। तो आप कोई भी 3 वैल्यू लेके और इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं ले रहा हूं ए बी और सी, ठीक है। अब देखो अगर ए का मॉडुलस लेस देन है बी के, ठीक है, और बी का मॉडुलस लेस देन है सी के, तो ए और सी में भी वही रिलेशन बन जाएगा, ए का मॉडुलस है वो लेस देन होगा सी की, ठीक है। तो ट्रांजिस्टिविटी रिलेशन आ रहा है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए का रिलेशन ए के साथ, क्योंकि अब एक -2 1 2 है तो सेम रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है। फिर सिमेट्री, सिमेट्री में जो ए का रिलेशन बी के साथ बन रहा है वही बी का ए के साथ बनना चाहिए, तो ये भी नहीं बन रहा, लेकिन ट्रांजिस्टिव बन रहा है, ठीक है ना, ट्रांजिस्टिव हर केस में बन रहा है, तो ये ट्रांजिस्टिव होगा। हमें इस तरह से सोल्व करना है। अब मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देखिए, सेकंड का, सॉरी, सेकंड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ए का रिलेशन है बी के साथ, ठीक है, कब, यदि ए है लेस देन बी से और ए बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो भाई ए का बी के साथ रिलेशन है, ए लेस देन है बी से। अब सबसे पहला क्या होता है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स में सेम नंबर होना चाहिए दोनों के साथ। अभी देखो अगर ए छोटा है बी से, ठीक है, तो ए खुद से भी छोटा होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, और बी से भी मतलब बी खुद से भी छोटा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा ये, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर दूसरा, दूसरे में क्या करते हैं,
अगर ए छोटा है बी से तो बी भी छोटा होना चाहिए ए से, ठीक है ना, अपोजिट में होता है ये, तो ये सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरा देखो, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए छोटा होगा सी से, ए इज ऑल्सो लेस देन सी, देन दिस इज अ ट्रांजिस्टिव, ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन बन गया, ठीक है, तो ये दो नहीं बने और ट्रांजिस्टिव बन गया, आया समझ में। सेकंड एग्जांपल, फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, थर्ड एग्जांपल लेता हूं, थर्ड एग्जांपल में बोल रहा है ए रिलेशन है बी के साथ, ठीक है, और ए माइनस बी ये लेस देन होगा हाफ से, और ए और बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, ठीक है। अब इसमें देखो भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो, हम सेम नंबर ले लेते हैं दोनों को, पहले वाले के लिए रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर होना चाहिए, अगर a माइनस ए करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है ना, हाफ से बड़ा तो होगा नहीं, ये बोल रहा है कि भाई a माइनस बी का मॉडुलस हाफ से बड़ा है, तो बड़ा तो होगा नहीं अगर a माइनस ए करेंगे, तो यानी पहले वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो, अब मान लो कोई भी दो नंबर है a माइनस बी और ग्रेटर देन इक्वल होगा टू के, ठीक है, ये हो सकता है। देखो कोई भी आप नंबर लो, रियल नंबर्स कोई भी, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन हाफ हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस जो नेगेटिव है वो तो मॉडुलस से पॉजिटिव हो जाएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, जैसे मान लो यहां टू है और यहां माइनस वन बाई टू है, ठीक है ना, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया, वन एंड हाफ, ठीक है ना, तो वन एंड हाफ बच गया, ये पॉजिटिव का है, तो ये ग्रेटर देन है हाफ के। अब इसको उल्टा करेंगे हम वापस से, बी के साथ ए का भी वैसा ही रिलेशन चाहिए, तो माइनस वन बाई टू, वन बाई टू और माइनस टू करेंगे, तो भी वापस से माइनस वन अपॉन वन बाई टू बचेगा, ठीक है ना, और माइनस का मॉडुलस हटाएंगे तो ये भी वन बाई टू बचेगा, तो ये भी ग्रेटर होगा, तो ये सिमेट्री होगा, ठीक है ना, यानी ए के साथ जो बी का रिलेशन बन रहा है वही बी के साथ ए का भी बनेगा, ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। ट्रांजिस्टिव क्यों नहीं होगा, फिर देख लो भाई, ए माइनस बी अगर सपोज करो बड़ा आ रहा है टू से, और बी माइनस सी ये भी ग्रेटर आ रहा है हाफ से, ये भी हाफ से बड़ा है और ये भी हाफ से बड़ा है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि वन ए और सी, यानी ए माइनस सी इज आल्सो ग्रेटर देन हाफ, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, कई बार कई किस सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे का पार्ट करते हैं, अब है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है भाई, फंक्शन को इस तरह से समझ लो, दिस इज अ टाइप ऑफ अ मशीन, ये एक मशीन है, सपोज करो ये एक जूसर है हमारा, अब इसमें हम क्या डालते हैं, फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स डाला तो इसने आउटपुट क्या दिया, जूस, ठीक है, फ्रूट डाला तो इसने क्या दिया, आउटपुट जूस। तो फंक्शन है ना इसी तरीके से काम करता है, उसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ये क्या हो गया इनपुट और ये क्या हो गया आउटपुट, ठीक है, और जो ये बीच में जो काम हुआ ना इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन, इसको फंक्शन भी बोलते हैं, कई बार मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं और मैपिंग भी बोलते हैं। अब जैसे सपोज करो ये फ्रूट्स वाला है, इसको हम सेट ए बोल सकते हैं और जूस वाला है इसको हम सेट बी बोल सकते हैं। अब ए से सेट बी के अंदर एक फंक्शन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, या फिर ए से बी में मैपिंग फंक्शन, इस तरीके से हमें ये दो तरीके हो गए हमारे को लिखने का, फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा भाई, ये फंक्शन हो गया ए से बी में, यानी ए फ्रूट से और हमारे कन्वर्ट हो गए, क्या हो गए, जूस बन गया, तो ये फंक्शन होता है, ठीक है। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं भाई, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, या फिर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, f मैप्स a टू b, इसको हम बोलेंगे f मैप्स a टू b, और इसको बोलेंगे f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो एक एलिमेंट है a जो बिलोंग कर रहा है a सेट को, ठीक है, और एक एलिमेंट है b जो बिलोंग कर रहा है b सेट को, ठीक है। अब ये ए को सेट कर रहा है, मतलब ए जो एलिमेंट है ये ए सेट को बिलोंग कर रहा है और बी जो एलिमेंट है ये बी सेट को एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अब अगर हम इनमें फंक्शन बनाएं ए टू बी, ठीक है, मतलब सेट ए से बी में एक फंक्शन बना, तो
ये फंक्शन जो बना है ना हमारा ए से बी में, हम इसमें बी को तो क्या बोलते हैं, इमेज, इमेज, और ए को बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है भाई, इमेज से पहले प्री इमेज, इनको लिखने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी, बी इज अ इमेज, किसकी इमेज, फंक्शन ऑफ ए, यानी ए के ऊपर जो फंक्शन हुआ उसकी इमेज, या फिर इसको लिख सकते हैं फंक्शन। ठीक है, किसमें, ए से बी में। अब इसमें क्या हो गया, बी इमेज हो गई और ए प्री इमेज हो गई, और या फिर हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, एफ ए और बी, यानी फंक्शन हुआ ए से और बी पे, हमें ए इनपुट मिला, यानी इस तीन तरीके होते हैं ये लिखने के, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसमें एक इमेज होती है और एक प्री इमेज होती है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए भाई, फंक्शंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, कहां कहां पे फंक्शन बनता है और कहां कहां पे नहीं बनता, हम इन चीजों को समझेंगे। तो देखो, जैसे मैं एक बना देता हूं आपके लिए, दो ग्रुप बना दिए, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, इमेज, और इसको प्री इमेज। ठीक है, अब इमेज में देखो, मैं यहां पे ले लेता हूं ए बी सी और डी, और यहां पे ले लिया मैंने पी क्यू आर एस। ठीक है, और जो हमने फंक्शन बनाया, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। अब हम ए के साथ पी का बना देते हैं, बी के साथ क्यू का, सी के साथ आर का, और डी के साथ एस का। ठीक है, ये फंक्शन हो गया किसमें, ए से बी में, तो ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं मान लो ऐसे ही सेम ग्रुप बना देता हूं, ठीक है, जिसमें ए बी सी और डी बना दिया, और यहां पे बना दिया पी क्यू आर और एस, तो देखो ए के साथ पी का हो गया, बी के साथ क्यू का, और सी के साथ आर का, और ये छोड़ दिया। ठीक है, और ये सेट ए है अपना, और ये सेट बी है, तो जो ये फंक्शन है ए से बी में, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये फंक्शन होगा ही नहीं, समझ गए, क्योंकि एलिमेंट्स को हम खाली नहीं छोड़ सकते किसी को भी। ठीक है ना, एलिमेंट्स को खाली नहीं छोड़ सकते, इसमें छोड़ सकते हैं, ठीक है, और इसमें नहीं छोड़ सकते, यानी जो हमारा प्री इमेज है इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। ठीक है ना, फिर तीसरा देखो, अब देखो तो फिर क्या हो सकता है, जैसे मैं ऐसे बना दूं ए बी सी और डी, और इधर एक और बना दूं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो ए का पी के साथ होता है, बी का क्यू के साथ हो सकता है, अब सी का आर के साथ, और डी का भी आर के साथ हो सकता है, एस को खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन हो जाएगा, समझ गए, यानी इसमें हम नहीं छोड़ सकते, इसमें छोड़ना, इसमें छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्री इमेज में एक भी हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर एक और देखो, जैसे ए बी सी और डी, इधर हो गया पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब एक है ये, यहां पे हो गए दो, फिर बी का, सी का और डी का, इस तरह से भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ए के दो, दो के साथ रिलेशन नहीं हो सकते, यानी डोमेन में दो रिजल्ट एक बार नहीं आ सकते। अब आप मान लो मशीन में आप डालो तो फ्रूट्स ही निकलेंगे। ठीक है, दो रिजल्ट्स एक साथ नहीं आ सकते, भाई फ्रूट भी बन जाए और चाय भी बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो, इसको समझने के लिए एक इंडिजीनियस फॉर्मूला होता है हमारा, देसी तरीका। ठीक है, हम कैसे याद रखते हैं, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको मतलब जो ये पहले वाला है ना, इसको हम क्या मान लें, बाप मान लेते हैं। ठीक है, और इसको सेट ए को बेटा मान लेते हैं, यानी जो सेट बी है इसको क्या मान लें, फादर मान लें, और सेट ए को क्या मान लें, सन। ठीक है, देखो इसका क्या है, ये सिर्फ समझने के लिए, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, इसका क्या है, बस याद रहेगा आपको, कभी भूलोगे नहीं। अब देखो, फादर के सन दो तीन चार हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है फादर के एक भी सन ना हो, लेकिन सन बिना बाप के नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब देखो यहां पे एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे फादर को अकेला छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन अकेला नहीं हो सकता, बाप बेटा बिना बाप के पैदा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि भाई बाप के बेटा ना हो, लेकिन बेटा बिना बाप के पैदा हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए सेटिस्फाई नहीं किया। फिर इस वाले में देखो, ये बाप है ये बेटे हैं, तो एक बाप के दो बेटे हो सकते हैं, तो और ये वाला बाप रह गया भाई जिसके बेटे ही नहीं हो, तो ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, मतलब एक फादर के दो बेटे दो सन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसमें देखो, एक सन के दो फादर नहीं हो सकते, समझ गए, इसलिए ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, समझ गए, यानी सन एक हो और उसके दो फादर हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है,
या फिर आप मशीन वाला जो मैंने आपको बताया था, जूस वाला, तो जो भी आपको अच्छा लगे समझने के लिए वही बेटर अंडरस्टैंडिंग कर लो। तो यहाँ पे दो फंक्शन बनते हैं, एक ये और एक ये, और इस तरह के फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे का पार्ट देखते हैं। तो अब हमारे आते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड ए फंक्शन। तो देखो भाई, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, जैसे मैंने बना लिया ये एक सेट ए, ठीक है, और ये बना लिया हमने सेट बी, ठीक है। तो सेट ए के अंदर जो भी इमेज ये इमेजेस होंगी, जैसे ए बी सी डी, इधर हो गया पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये जो इमेजेस है इनको हम बोलते हैं रेंज, क्या हो गई, रेंज, ठीक है। और इस पूरे सेट को, इन रेंज के समेत, इसको बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन। अब इसके बाद ये वाला जो होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। ये क्या हो गया, कोडोमेन। तो ये रेंज होती है, मतलब ये इमेजेस होती हैं दोनों के अंदर, ठीक है। और ये जो सेट ए के अंदर जो इमेजेस होती हैं, हम इनको रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो और इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन्स, यानी ये सारी डोमेन्स है और ये कोडोमेन है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब हो गया, अब जो हम फंक्शन आगे सोल्व करेंगे ना, तो वो किस किस टाइप के हो सकते हैं और कैसे कैसे सोल्व करेंगे। पॉलिनोमियल्स फंक्शन, पॉलिनोमियल आपने 10th क्लास में किए होंगे, ठीक है ना, वो सारे पॉलिनोमियल हैं। और फिर एल्जेब्रिक एक्स वाई जेड वाले, फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल नंबर हो और फ्रैक्शनल भी हो, जैसे पी वाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल पावर वाले फॉर्म में, जैसे 7 की पावर 8, 11, ये इस तरह के, ठीक है, लॉगरिथम, लॉग वाले, ठीक है, लॉग आपको 10th में नहीं आया तो लॉगरिथम वाले फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी वैल्यू निकालनी है मोड वाले, ठीक है। फिर सिग्मा, जैसे इस तरह के वाले सिग्मा फंक्शन। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर और सेटअप फंक्शन, ठीक है, बड़े बड़े इंटीजर्स वाले। फिर फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन के जो पार्ट, मतलब किसी भी चीज के पार्ट बना के उसको अलग अलग निकालना, वो वाले फंक्शन। फिर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब सिंगल सिंगल, जैसे 1 1 वाले आंसर आ जाए तो मैट्रिक्स में करते थे आप 1 1 1 इस तरीके से, ठीक है। और फिर कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट यानी फिक्स वैल्यू वाले फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस हम आगे इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बाद हम करेंगे रेंज का पार्ट, कुछ रेंज के कुछ अलग से क्वेश्चन करेंगे, अभी हम करेंगे डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा। हमने बहुत कोशिश की है कि बिल्कुल डिटेल में और सारी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम आपको छोटे वीडियोस में दे सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।